तो पूरा ये छात्रावास में ऊपर रहते जी। हाँ राकेश भैया आप भी आइए। राकेश जी आए हैं, भूपेश जी का भाई। भैया आप भी आइए। राकेश जी आए हैं और कौन आया? तो कट हो गया था दोबारा से। चलो रश्मि तो भूपेश के साथ प्रणाम किए हो प्रसाद जी। हाँ ये भी हमारा शिष्य महाराज जी, ये पंडिताई का काम करते हैं। कुलदीप जी हैं, इनकी शरीर सतना की है। और चंदन जी, चंदन जी है क्या? आपकी शरीर बिहार की है, ये भी यहीं रहते हैं, हमारे शिष्य हैं। जा छोटू, जा छोटू है क्या जी? ये कौशल जी का छोटे भाई है। और कोई पांडे जी हैं क्या जी? पांडे जी के साथ ही तो महाराज जी आए हैं। ये मेरा सारथी है, लगभग पिछड़ा 10-12 साल से रहते हैं पांडे जी। पाठक जी भी है। गायत्री आई है क्या? हाँ जी। दोनों साथ में प्रणाम करना। जगह इनकी बड़ा बेटा यही अध्ययन किया, आज पंडिताई में लगा हुआ है। महाराज जी के पास माइक दे दो, सब लोग बैठ जाइए। माइक दे दो। सतगुरुदेव भगवान की जय। लोकनाथ महाराज की जय। मलुक पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज की जय। मेरे कोई सुना नहीं था। मलुक पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज की जय। स्मृति पुराण नाम आलय करुणालय नमामि भगवत पाद शंकर लोक शंकर सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य मध्यता मंदे गुरु परंपरा हमारी बहुत बड़ा सौभाग्य है इस कमारदी छोटी सी गांव जिसमें 70 घर का मात्र बस्ती है, जिस गांव में श्री विद्या वेद पाठशाला और श्री चक्र महावीर पीठम वैसे पवन स्थान को मरुपीठ के पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज का शुभ आगमन। सुबह से आज हम व्याकुल देव महाराज जी का दर्शन के लिए पूरा बच्चे हमारी इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। महाराज जी का दर्शन हुआ, महाराज जी से हम मुखारविंद से आशीर्वचन सुनेंगे। आप सब उनकी आशीर्वचन को ग्रहण कर जीवन को कृतार्थ बनाएं। मैंने महाराज जी से आप लोगों की तरफ से एक प्रार्थना रखता हूँ। 2023 जो प्रतिवर्ष आश्रम में गुरु जी का जयंती महोत्सव बनाया जाता है, प्राकट्य उत्सव, उस उत्सव की पावन अवसर पर 2023 16 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच 7 दिन की महाराष्ट्र की मुखारविंद से हम और आप कथा श्रवण करेंगे। महाराज जी ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है और हाँ भी कहा है, ऐसा लगा मेरे को। इसलिए महाराज जी का मुखारविंद से हम 7 दिन महाराज जी के साथ रहेंगे और बच्चे भी रहेंगे। पुराना छात्र मेरा बच्चों को महाराज जी अपनी आशीर्वचन दे। यहाँ का छत्तीसगढ़ का स्थिति है महाराज जी, ब्राह्मण बच्चों का मार्ग दिखाने का बहुत स्थिति यहाँ दुर्गम है, परेशान है ब्राह्मण बच्चे का स्थिति इतनी अच्छा नहीं है। इसलिए हमने प्रेरणा लिया है यहाँ आसपास के क्षेत्र की बच्चे मात्र नहीं, जो भी बच्चे आते हैं यहाँ पाठशाला में उनको अध्ययनरत कराते हैं, किसी से एक रुपया सिक्का का अपेक्षा नहीं करते हैं, ना भर्ती के समय में। किसी भर्ती के समय में मात्र कुछ इन लोग 1100 या 3100 कुछ लेते हैं। छठवीं में भर्ती होता है बच्चा, 12वीं क्लास पास होते तक उस बच्चे से ना कपड़ा का, पहनने का, खाने का, उड़ने का, साबुन सिक्का, किसी चीज का कोई रुपया नहीं लिया जाता है। उनकी परीक्षा देने का भी खर्चा इस मठ की ओर से वहन किया जाता है। हमारी एकमात्र उद्देश्य है यहाँ से बच्चा शिक्षित, सबसे ज्यादा संस्कारित होकर बाहर निकले, अपनी शिक्षा सूत्र का मर्यादा बना रखे, यही कामना करते हैं महाराज जी। इसी कामना आपकी चरण में भी हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ जो भी बच्चे हैं उन बच्चे संस्कारित हो, शिक्षित हो, उनकी जीवन में भगवान इतनी कृपा करें, जीवन को कल्याणकारी बना रखें, इसी कामना के साथ आपके आशीर्वचन की कामना करते हैं।
प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। ऐसे ही दे दूं कुछ लिया स्टैंड दे दो आप लोग इस चौकी में रख दो कोई चौकी में रख दो इधर आ जी सामने सामने आओ नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्री चंद्रमौलीश्वर भगवान की जय। श्री श्री त्रिपुर सुंदरी भगवती श्री महाविद्या महारानी की जय। श्री कांची परमाचार्य जगतगुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। वेद पाठशाला का नाम क्या है? श्री विद्यालय। श्री विद्या वेद पाठशाला की जय। समस्त भटकों की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। भारत अखंड हो। भारत अखंड हो। भारत अखंड हो। गोवंश की जय हो। हाँ, गोवंश की रक्षा हो। गोवंश की रक्षा हो। गोवंश की रक्षा हो। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय हो। अखिल गोवंश की जय हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर हरिशरणम। भगवान चंद्रमौलीश्वर भगवती पराम्बा त्रिपुर सुंदरी एवं श्री शंकराचार्य भगवान श्री कांची परमाचार्य के श्री युगल चरणों में एवं उन्हीं के स्वरूप श्रद्धे श्री गंदी स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणति निवेदन करते हुए सभी पूज्य आचार्यों का वंदन करते हैं एवं सभी बटुक ब्राह्मणों का भी वंदन करते हैं। इस आश्रम में आकर हमारा चित्त अत्यंत प्रसन्न है, आह्लादित है। इस युग में इतने पवित्र वेद पाठी संध्योपासन परायण ऐसे पवित्र ब्राह्मणों का दर्शन इस युग में और इस क्षेत्र में हो जाए, ये भगवान की महती कृपा है। निश्चित ही इतने बटुक ब्राह्मणों के रूप में, आचार्यों के रूप में साक्षात भगवान का ही हम दर्शन कर रहे हैं। आप सब भगवत स्वरूप हैं, आप सबको हम सादर वंदन करते हैं। भगवान
अत्यंत करुणा करते हैं तब वे मनुष्य जन्म हमें प्रदान करते हैं। मनुष्यत्व अत्यंत दुर्लभ है, मानवाकार में होने पर भी सब मनुष्य नहीं होते हैं। वैदिक वर्णाश्रम धर्म जिसे नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेदों ने जिसके स्वरूप को प्रस्तुत किया है और मनु आदि स्मृतिकारों ने उसका व्याख्यान किया है। इतिहास पुराण में भगवान व्यास ने उसको ठीक से समझाया है। उसको जो ज्यों का त्यों मानते हैं बिना किसी ननुनच के, बिना किसी तर्क वितर्क के, उन्हीं को मनुष्य कहते हैं। मनु के सिद्धांत को माने, मनु की विचारधारा को माने, मनु की भाषा को स्वीकार करे, वो मनुष्य है। और इसके अतिरिक्त मानवाकार में होने पर भी मनुष्य नहीं है। मनुष्य तो अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य में भी ब्राह्मण का शरीर किसी को प्राप्त हो जाए तो इससे बड़ी भगवान की दूसरी कृपा नहीं है। भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कह रहे हैं, न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत पश्यामि विप्राः किमतः परन्तु यस्मिन्नृभि प्रभुतः श्रद्धया मश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। भगवान कह रहे हैं कि मैं अपनी संपूर्ण सृष्टि में ब्राह्मण शरीर की तुलना किसी प्राणी से नहीं कर सकता। उनके समान कोई नहीं है तो उनसे श्रेष्ठ कोई होगा ही कैसे। यस्मिन जिन ब्राह्मणों की मुख रूपी अग्नि में श्रद्धा पूर्वक जो आहुति प्रदान करते हैं अर्थात ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, कहते उससे जैसी तृप्ति मुझे होती है वैसी तृप्ति अग्नि में स्वाहा स्वाहा करने से भी नहीं होती। भगवान कहते हैं, यस्यामृता मलयश श्रवणावगा सद्यः पुनात् जगदास्वपचाद् विकुंठा सोहं भवद्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्तिश्चिन्द्याम स्वबाहुमपि वः प्रतिकूल वृत्तिम्। भगवान कह रहे हैं कि मेरे चरितामृत सुधा सरिता में, मेरी कथा सुधा गंगा में आचांडाल पर्यंत जगत भी अवगाहन कर ले तो सद्यः पुनाति, कालांतर में नहीं सद्य अवगाहन करते ही पवित्र हो जाता है। सद्य पुनाति जगदास स्वपचात आस्वपचात है मैंने स्वपच पर्यंत संपूर्ण जगत पवित्र हो जाता है। ऐसी हमारी महिमा, ऐसी हमारी कीर्ति इन पूज्य ब्राह्मणों की कृपा से ही प्राप्त हुई। हमारी यह महिमा, हमारी यह कीर्ति इन ब्राह्मणों की कृपा से प्रतिष्ठित हुई है, इसलिए मैं ब्राह्मणों के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। भगवान स्वयं कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में, मैं ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ, इतना अधिक उपकृत हूँ इनसे, इतना अधिक कृतज्ञ हूँ इनके प्रति के छिंद्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम वह युष्माकं वह। संकालिकों से कह रहे हैं कि आप ब्राह्मणों के विरुद्ध मेरी भुजा भी कोई व्यवहार करने लग जाए तो मैं अपनी अतिशय प्रिय भुजा को भी अपने से पृथक कर दूंगा, अलग कर दूंगा, काट डालूंगा भुजा को। लेकिन ब्राह्मणों का तिरस्कार मैं देख नहीं सकता, सहन नहीं कर सकता। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरी सृष्टि में पंचभूतों की अपेक्षा जो चलने वाले पंचभूतों की अपेक्षा जो पृथ्वी फोड़कर उत्पन्न होने वाले हैं स्थावर आदि वो श्रेष्ठ हैं, उनसे भी श्रेष्ठ रेंगने वाले चलने वाले जंतु हैं कीड़े मकोड़े आदि।
उनसे श्रेष्ठ सरीसृप सर्प आदि हैं, उनसे श्रेष्ठ पक्षी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीट पतंगों से श्रेष्ठ पशु पक्षी हैं, और उनसे भी श्रेष्ठ मनुष्य हैं। 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य है, और मनुष्यों से श्रेष्ठ प्रमथगण है, उनसे श्रेष्ठ साध्यगण है, उनसे श्रेष्ठ सिद्धगण है, उनसे श्रेष्ठ यक्ष गंधर्व किन्नर है, उनसे भी श्रेष्ठ देवताएं, देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र है, इंद्र से श्रेष्ठ प्रजापति है, और प्रजापतियों में श्रेष्ठ देवादिदेव भगवान महादेव है। तो यद्यपि भगवान सदाशिव सनातन परमात्मा है, लेकिन सृष्टि के क्रम में वो ब्रह्मा जी के भ्रूमध्य से प्रकट होते हैं। एतावता ब्रह्मा जी के भ्रूमध्य से उत्पन्न होने के कारण उन प्रजापतियों में श्रेष्ठ श्री देवादिदेव महादेव से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ मैं हूं। किंतु कोई मुझसे पूछे कि आपसे श्रेष्ठ कौन है, तो भगवान स्वयं कहते हैं समत परो हम द्विज देव देवा है? समत परो हम द्विज देव देवा। मुझसे यदि कोई पूछे कि तुम आपसे श्रेष्ठ कौन है, तो मुझसे भी श्रेष्ठ यह ब्राह्मण है। ब्राह्मणों की इतनी महिमा वेदादि शास्त्रों में है, पुराणों में है, इतिहास में है, स्मृतियों में है, धर्म ग्रंथों में है, तो उसका सांगोपांग वर्णन नहीं किया जा सकता। पर ध्यान से सुने, ये महिमा इसलिए नहीं है कि ब्राह्मण अपनी महिमा को गागा करके अपने अहंकार को पुष्ट करे, केवल इसी अहंकार में भर जाए कि मैं ब्राह्मण हूं। यह इसलिए है कि हम ब्राह्मण हैं ऐसा समझ करके भगवान की कृपा का अनुभव करें, अत्यंत भगवान के प्रति कृतज्ञ हो जाएं और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएं। किसमें प्रतिष्ठित हो जाएं? अपना स्वरूप का मतलब क्या है? जिन लक्षणों के कारण, जिन गुणों के कारण ब्राह्मणों की इतनी महिमा शास्त्रों में कही गई है, वे लक्षण, वे दिव्य सद्गुण हमारे हृदय में अवतरित हो जाए। महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुं। वो कैसे होगा महायज्ञ और यज्ञ, ये हम अपने जीवन में शास्त्र विधि से कैसे संपादित करेंगे? तब संपादित होंगे जब हम भगवान वेद का आश्रय लेंगे। वेद अंगी है और 6 शास्त्र उसके अंग हैं। महाभाष्यकार भगवान पतंजलि ने कहा है, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म सदंगो वेदो ध्येयो गेयश्चेति। किसी लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए नहीं कि हम पढ़ लिख कर विश्वविद्यालय में विभाग अध्यक्ष बन जाए, बहुत धन कमाने लग जाए, इसलिए नहीं, या बहुत पढ़ लिख करके बहुत बड़े बड़े कर्मकांड यज्ञ आदि करा के धन का संग, इसलिए निष्कारणो वह उसका स्वाभाविक धर्म है ऐसा मान करके 6 अंगों के सहित वेद का अध्ययन करें। अंगी वेद है, बाकी वेदांग है। अंगी अंगी की शोभा अंग से, अंग ना हो, अंगी हो तो भली चेतना रही आवे शोभा तो नहीं होगी, अंग से अंगी की शोभा होगी, और अंगी हो अंगी के बिना अंग का अस्तित्व ही संभव नहीं है। अंगी होगा तो अंग होगा, अंगी ही नहीं होगा तो अंग कहां से होगा। तो वेद छंदा पादौ वेदस्य, छंद शास्त्र वेद भगवान के चरण हैं। हस्तौ कल्पोत पठ्यते, कल्प शास्त्र भगवान वेद के हाथ हैं। ज्योतिषामयनम चक्षु, ज्योतिष शास्त्र भगवान के नेत्र हैं। निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, निरुक्त शास्त्र भगवान के कान हैं। और शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य, शिक्षा शास्त्र भगवान वेद की नाशिका है। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख जो है भगवान का व्याकरण है, इसलिए मुखत्वात् मुख्यम, सभी अंग पढ़ने चाहिए, पढ़ाने चाहिए। हमारे मन में
भगवान की प्रेरणा से कई बार यह आता है कि ऐसा कोई पाठ्यक्रम तैयार होवे जिसमें अब वर्तमान में जो परीक्षाओं की पद्धति है उसमें तो एक भी कोई ग्रंथ एक भी प्रकरण सांगोपांग पूर्ण होता नहीं, चाहे काशी की परंपरा हो चाहे कहीं की भी परंपरा हो। और ये बड़े दुख की बात है कि षडंग वेद के विद्वान तैयार इस देश में नहीं हो रहे। हाँ दक्षिण में भारत में बहुत अच्छी पाठशाला की व्यवस्था है, वहाँ षडंग वेद की पूरा पढ़ाते हैं जी। जैसे आपने कहा अंगी अंग दोनों हाँ। अध्ययन करे बिना बच्चा बाहर निकलता ही वाह बहुत अच्छी वहाँ का पूरा पाठशाला का ये षडंग वेद की पाठशालाएं सर्वत्र शुरू होनी चाहिए। वैदिक धर्म की रक्षा से वेद की रक्षा से वेदांग की रक्षा से ब्रह्मत्व की रक्षा होगी और ब्रह्मत्व की रक्षा से मनुष्यत्व की रक्षा होगी। ब्राह्मण सुरक्षित होगा तो क्षत्रिय सुरक्षित हो जाएगा। क्षत्रिय सुरक्षित होना क्या है, क्षत्रियत्व की इसमें उपस्थिति, क्षत्रियत्व सुरक्षित हो जाए तो एक भी गाय कटेगी इस देश में, एक भी ब्राह्मण पर गरीब पर दुर्बल पर अत्याचार होगा, किसी भी नारी के प्रति अन्याय अत्याचार होगा। तो ब्राह्मणत्व के नष्ट होने से क्षत्रिय नष्ट नष्ट हो गया, क्षत्रिय के नष्ट होने से वेद वैश्य नष्ट हो गया, वैश्य के नष्ट होने से शूद्र भी नष्ट हो गया। अब ब्राह्मण की सुरक्षा कैसे होगी, ब्राह्मण की सुरक्षा गाय से होगी क्योंकि धेनूनाम चैव विप्राणां कुलमेकं द्विजाकृतम्। महाभारत में लिखा है गौ और ब्राह्मण का कुल एक ही था, ब्रह्मा जी ने इसके दो भाग कर दिए, एक में हविष्य की प्रतिष्ठा कर दी, कव्य की प्रतिष्ठा कर दी, तो दूसरे में वैदिक मंत्रों की प्रतिष्ठा कर दी। तो एक दूसरे के पूरक हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस वेद पाठशाला में गाय भी है और पवित्र ब्राह्मण है, वेद हैं, साक्षात भगवान विराज रहे हैं, अखंड प्रदीप विराजमान है और ऐसे पवित्र आत्मा पूज्य स्वामी जी का पवित्र सान्निध्य आप सबको प्राप्त हो रहा है। दंड धारण मात्रेण नरो नारायण भवे, दंड धारण मात्र से नर नारायण के तुल्य हो जाता है। फिर विप्र कुलोत्पन्न हो, चतुर्थाश्रमी हो, दंडी हो, तो इनके प्रति तो ऐसी सद्भावना होनी चाहिए कि इस रूप में साक्षात भगवान हरिहर का दर्शन हमें हो।